हेलो गाइस, इस वीडियो में अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ कोवी की तरफ से आने वाला एयर मेगा एयर एम फिल्टर जो कि एयर प्यूरीफायर है। इस टाइम मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे अभी तक कोई भी एक डिटेल रिव्यू नहीं है जो कि करंट ईयर का हो, जिसमें कि मोस्टली लोगों ने रिव्यू डाल रखे हैं, लगभग अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू नहीं डाल रखा है ज़्यादातर। तो मैंने सोचा इसलिए मैं आपको एक डिटेल रिव्यू उसका बनाकर देता हूँ। अभी जो टाइम चल रहा है जुबिलियन और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का चल रहा है, उसमें मैंने ये मंगाया है, ये चिट लग रही है इस पर, और फटाफट मैं इनको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल रिव्यू देता हूँ कि आपको उसमें पैसा खर्च करना चाहिए नहीं चाहिए। तो फटाफट इसको बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम डिस्प्ले पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखने में है, और यहाँ पे कोवे एयर मेगा की इसमें ब्रांडिंग दी हुई है, और यहाँ पे आपको होल दिख रहे हैं जो कि वेंटिलेशन के काम करेंगे इसमें एयर प्योरिफिकेशन का। साइड में बैक साइड में कुछ इस तरह से दिखने में है, और ये जो है टिल्ट हो जाता है जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये आपका एडजस्टेबल है, यानी कि अगर आप सामने बैठे हो तो ऐसा फैन की तरह यूज कर सकते हो। सेम ये इस तरीके से बैक साइड में भी घूमता है, और ये जो है रोटेट भी करता है। अभी मैं आपको प्लग करके दिखाऊंगा। इसकी जो फीचर्स वगैरह हैं वो मैं बता दूंगा आपको। जो है ये 30 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और जो है इस टाइम का आने वाला जो बिकने वाला 7 ईयर की वारंटी में ये प्रोडक्ट आता है, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में इतनी साल की वारंटी कोई नहीं दे रहा। मेरा पर्पज़ को लेने का यही था क्योंकि मार्केट में सबसे लॉन्गेस्ट वारंटी है इसकी। तो फिल्टर है इसका वो लॉन्गेस्ट पीरियड तक चलता है, यानी कि 8500 आवर्स, दैट्स मीन्स का ऑलमोस्ट 1 ईयर, और 7 साल की इसमें वारंटी है। और इसमें जो है इसका मॉडल आता है एयर मेगा 150, जो कि मैं कन्फ्यूज था ये लूँ या एयर मेगा 150 लूँ। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये मॉडल नया वाला लिया है, वो 150 काफ़ी पुराना मॉडल है, तो कंपनी ने अपग्रेड करके ये वाला मॉडल निकाला है। अभी भी वो बिकता है लेकिन वो आवाज़ ज़्यादा करता है और उसमें स्मेल आती है कुछ टाइम बाद, इसलिए मैंने ये नया वाला मॉडल चूज़ करा है उसके अगेंस्ट। और इसको मैं रिव्यू करूंगा और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। बाकी मैं इसका फंक्शनलिटीज़ में आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ये। तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको इसका जो फिल्टर है वो आपको उसकी पॉलिथीन उतारनी पड़ेगी कैप वगैरह, उसके लिए बैक साइड में दिया हुआ है ये। इसका जो ये ढक्कन है ये आपको इस साइड में ओपन करना है, इसका लॉक है, इधर अनलॉक है दिखाया हुआ है, तो इधर घुमाना है अनलॉक के लिए। के लिए मैं इसका टेप हटा देता हूँ। जब ये ऐसे करके ओपन होगा तो इसको फर्स्ट टाइम में आपको ये पॉलिथीन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका फिल्टरेशन है, पार्ट ऑफ फिल्टर है। इसकी कॉस्ट अभी थोड़ा जो हेपा जो इसका दूसरा फिल्टर आता है एयर मेगा 150, उसकी कॉस्ट तकरीबन 1500 रुपये आ जाती है, लेकिन इसकी भी कॉस्ट अभी महंगी है, तकरीबन 2500 से आपको 4000 के बीच में मिलता है। इसमें आपके 3 फिल्टरेशन मिलते हैं जो कि एक साथ इसमें उन्होंने दिए हुए हैं, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और इसमें हेपा फिल्टर, ये तीनों फिल्टर से मिक्स इंक्लूड आते हैं, यानी ऑल इन वन सिंगल में आता है ये। तो इसको मैं इसमें फिट कर देता हूँ। इसमें इसमें मशीन दी हुई है आपकी, तो इसमें सिंपली ये ऐसे फुट हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला बटन इसमें ऑन ऑफ का है, इसको क्लिक करने से ऑन हो जाएगा ये नंबर 1, और फैन की स्पीड चालू हुई है। इससे इस सेकंड नंबर से क्या नाम है रोटेट होता है, देखिए ये ऑटोमेटिकली ये रोटेट होगा, जिससे कि आपका रूम का जो एयर क्वालिटी डिटेक्ट करेगा कुछ जो है अपने डायरेक्शन में भेजेगा, ये ऐसे टिल्ट होता रहेगा। इसको दोबारा वापस से इस पर क्लिक करके हम ऑफ कर देंगे, और नेक्स्ट वाला जो है इस फैन की स्पीड बढ़ाने का है, सेकेंड थर्ड में काफ़ी नॉइस लेवल इसका आता है। और ये वाला जो ऑप्शन है ये इसकी जो है टाइमर लगाने का है, कितनी देर में आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टाइमर लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ये उसको टाइमर को ऐड यानी कि प्लस माइनस करने का है, ये ऑटो मोड है, और ये वाला जो है इससे आपकी डिस्प्ले चली जाएगी, ऑन करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगी। ये वाला जो 3 सेकेंड वाला लास्ट वाला बटन है ये आपको बेसिकली फिल्ट्रेशन के लिए बताता है, आपका फिल्ट्रेशन चेंज होना है तो उसको आप जो है प्रेस करके इसको रीसेट कर सकते हैं। साथ में इसके एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, और इसी के साथ में ये इसमें एक छोटा सा रिमोट दिया हुआ है जिसको उसे हम फुल करेंगे जिससे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी दी हुई है आपका ऑन ऑफ का, और फैन की स्पीड बढ़ाने का, ये टिल्ट का यानी कि उसको रोटेट करने का, और ये डिस्प्ले ऑन ऑफ का,
और ये प्लस माइनस दिए हुए हैं। तो अगर मैं जैसे इसमें ऑटो मोड पे लगा देता हूँ, ये ऑटो मोड है, ऑटो मोड पे ऑन हो गया है इस टाइम, प्लस माइनस इसकी स्पीड जो टाइमिंग इसमें प्लस माइनस हो जाएगा 1 आवर्स 2 आवर्स, जैसे ये अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा कुछ टाइम बाद। और ये वाला ऑप्शन आपने इसमें जैसे इसमें देखा तो वैसे ही सेम रोटेट करने का है, और ये डिग्री वाला बटन डिस्प्ले ऑफ करने का है। तो ये फीचर्स में दिए हुए हैं इन्होंने। एक वो इंडिकेटर सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है कलर्स नेविगेट, बस यही दिया हुआ है, वैसे न्यूमेरिकल पार्ट्स नहीं है। जब मैंने प्रोटेस्ट किया था मुझे लगा था ये शायद यहाँ पर ए क्यू आई आएगा, तो ये ए क्यू आई नहीं, ये जो है फैन स्पीड बताता है, और ए क्यू आई आपका ये वाले जो कलर्स हैं ये इसमें प्रेजेंट करते हैं। और ये रेड है, अभी ये थोड़ा ब्लिंक करेगा जैसे फाइंड आउट करेगा क्या रूम का टेम्परेचर है। ये ऑरेंज है और रेड है और ग्रीन है, तो ग्रीन तो टेम्परेचर अगर अच्छा है उसके लिए आता है, और रेड बहुत बेकार जो है आपका एयर पोल्यूशन के लिए आता है, और ऑरेंज यानी मॉडरेट के लिए आता है। जो भी आपका रूम का एयर क्वालिटी कंडीशन होगा ए क्यू आई, उसके हिसाब से ये भी आपका दिखाएगा कि आपका क्या है, उसके बाद ये फिल्ट्रेशन चालू करेगा। हेपा 13 फिल्टर इन्होंने इसमें दिया हुआ है, इन्होंने मैंशन किया हुआ है हेपा 13 का। और इसी के साथ में जो है ये जो है 0.01 पार्टिकुलर डस्ट पार्टिकुलर को जो है फिल्टर करता है, जिसमें कि आपका डस्ट हो गया, हेयर हो गए, और बहुत बारीक बारीक जो पार्टिकुलर होते हैं जो आपको दिखते नहीं है वो सब ये कैप्चर करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। प्राइस की बात करें तो इसका जो रेगुलर प्राइस रहता है वो करीब 12-13 हज़ार रहता है, लेकिन अभी जो है फ्लिपकार्ट ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं ये 8,500 रुपये का तकरीबन पड़ा है बिग बिलियन सेविंग डे में। तो अभी इसको आप परचेस कर सकते हैं, रिव्यू वगैरह आप देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अभी मैंने ये लिया है और इसका मैं रिव्यू डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ टाइम बाद, तो उसमें आप देख सकते हैं। और देखने में तो काफ़ी ये स्टाइलिश प्रोडक्ट है, तो वैसे तो रिकमेंडेड रहेगा। आप देखिए ये मैं यूज़ करके आपको दूसरे वीडियो बताऊँगा कि कैसा ये मेरा प्रोडक्ट चला है। थैंक यू वेरी मच, चैनल सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो फर्दर वीडियो देखने के लिए।